तो आज हम सीखेंगे शरारा की कटिंग। तो ये मेजरमेंट है, तो फ्रेंड्स ये लंबाई है, ये यहाँ पे 17 इंच है, 17 इंच, ये दो पार्ट्स में बनेगा। ऊपर वाला हिस्सा है जो 17 इंच रहेगा और नीचे वाला हिस्सा है जो 18 इंच रहेगा। ये मैंने फिक्स नाप लिया है, इसका मार्जिन हमें अभी रखना है। और कमर हमारी 36 है तो आप इसको 38 तक या 40 तक भी पहन सकते हैं। और ये आसन है हमारा 13 इंच। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ऊपर की साइड में 1/2 इंच मार्किंग करनी है। तो ये बेल्ट वाला नहीं बना, मैं नाड़े वाला बना रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे को 1/4 इंच पे मार्किंग करनी है। और इसके लगा के इस मार्किंग को सीधा कर लेना है। ये 1/2 इंच तो हमारे सिलाई के लिए रहेगा और ये मैंने बेल्ट के लिए निशान लगाया है। अब इस निशान के आगे से हमें घुटनों तक की जो लंबाई होती है उसका निशान लगाना है। अब आप कितनी रखना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से लगाएं। मैं 17 इंच पे निशान लगाऊंगा। यहाँ पे हमें और 17 इंच पे मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करके और इसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच यहाँ का भी मार्जिन है, उसका भी निशान लगा लेंगे हम। अब यहाँ से 1/2 इंच गैप छोड़ के अब यहाँ से हमें 13.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और इधर भी हमें 1/2 इंच छोड़ के 13.5 इंच पे निशान लगा देना है और इसे हमें सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग करनी है। और यहाँ पे हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है। और यहाँ पर भी 2 इंच पे मार्किंग करनी है। इसे इस तरह से मिला के सीधा कर लेना है। यहाँ से हमें इसको हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच निशान लगाना है। इस निशान से इस निशान तक हमें इस वाली स्केल से मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स अब हमें इस हिस्से को काट लेना है। तो फ्रेंड्स ये फ्रंट साइड का हिस्सा है। अब हमें इस तरह से ये कटा हुआ है उस तरह से हमें दूसरा वाला काट लेना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने अस्तर को डबल कर लिया है और ये जो मैंने फ्रंट साइड का जो पार्ट काटा था इसको मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमें इसको नीचे से बराबर काट लेना है पहले। तो यहाँ से हमें इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसे हमें काट लेना है।
अब हमें यहाँ पे आधा इंच पे एक निशान लगाना है। फ्रंट साइड के दोनों हिस्सों को हमें बराबर करके और इस वाली साइड से हमें ज़्यादा इंच की तिरछी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये इसका मेन कपड़ा है, ये जो हमने काटा था ये अस्तर था, तो हम इसको रख के वो जो मेन कपड़ा है उसको इसके बराबर हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ऊपर ऊपर के पार्ट्स की कटिंग कर ली है, हम घुटने के नीचे के जो पार्ट होते हैं उसकी कटिंग करेंगे। मैंने इस हिस्से को इस तरह से डबल रखा है, तो मुझे 17 इंच इसकी लंबाई रखनी है, तो मैंने 18.5 लिया है। अब आपको जितनी लंबाई रखनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। ये दोनों पार्ट्स मैंने साथ में कटिंग कर लिए हैं। इसकी सिलाई का वीडियो है जो ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई शरारा की कटिंग। इसका सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो मैं आपके ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।